बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इल्म नूर है। जिस लहजे में बात करो उस लहजे में सुनना भी सीखो। जब इंसान ज़िंदगी के इम्तिहानों से पत्थर हो जाता है तो फिर कोई दिल दुखा भी दे तो बुरा नहीं लगता। अल्लाह की राह में कोशिश करो और कभी पीछे ना हटो, क्योंकि अल्लाह ने तुमसे कोशिश मांगी है, नतीजा नहीं। खुद का मुकाबला किसी से ना करो, आप जैसे भी हो बेहतरीन हो। जो इबादत इखलाक और किरदार पर असरअंदाज ना हो सके, उस इबादत से सिवाय मुशक्क़त के कुछ हासिल नहीं होता। दुनिया के सभी लोग खूबसूरत हैं, बदसूरती तो हमारे रवैयों और सोच में है। उम्मीद कभी ना छोड़ना, कल का दिन आज से बेहतर होगा। जो शख्स अपने दोस्त को बुरे कामों से नसीहत के ज़रिए बाज नहीं रख सकता, वो दोस्ती के काबिल नहीं। ज़मीन अक्लमंदों से तो भर गई, दर्दमंदों से खाली है। लोगों को तब फ़र्क पड़ना शुरू होता है जब आपको किसी बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। गहरी बातें समझने के लिए गहरा होना पड़ता है और गहरा होने के लिए गहरी चोटें खानी पड़ती हैं। ज़िंदगी को समझना है तो पीछे देखो, और ज़िंदगी को जीना है तो आगे देखो। लोगों के दिल आप साफ़ नहीं कर सकते, मगर अपना दिल साफ रखना आपके अपने इख्तियार में है। तीन लोग जब आपके सामने बात कर रहे हों तो उन्हें मत रोकें। वालदैन, बच्चा और गमज़दा इंसान, क्योंकि उनका दिल बोल रहा होता है। जन्नत के मुंतज़िर न रहो, बल्कि अपने आमाल ऐसे बना लो कि जन्नत भी तुम्हारी मुंतज़िर हो जाए। जब तुम्हें खुशियाँ मिलने लगें तो तीन चीज़ें कभी मत भूलना, अल्लाह को, अल्लाह की मखलूक को और अपनी औकात को। अंधेरे में एक दोस्त के साथ चलना रोशनी में अकेले चलने से बेहतर है। कमज़ोर बदला लेते हैं, मजबूत लोग माफ़ करते हैं और समझदार लोग नज़रअंदाज करते हैं। पैसा हैसियत बदल सकता है, औकात नहीं। बेहतरीन दिनों के लिए बुरे दिनों से लड़ना पड़ता है। अगर किसी शख्स को खुद में कोई ऐब नज़र ना आए तो समझ लें कि उसकी जहालत अपनी इंतहा से भी आगे निकल चुकी है। गुफ्तगू के लिए इंसान मुंह अपना खोलता है, मगर तरबियत उसके बड़ों की बोलती है। शख्सियत में आजजी ना हो तो मालूमात में इजाफा इल्म को नहीं बल्कि तकब्बुर को जन्म देता है। नसीहत कीजिए मगर शर्मिंदा ना कीजिए, मकसद दस्तक देना होता है, दरवाज़ा तोड़ना नहीं। रिश्तों को इतना गलतियां कमज़ोर नहीं करती जितना गलत फहमियाँ करती हैं। खुश रहने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि दूसरों को खुश रखने की कोशिश की जाए। भेड़ बकरियां इंसानों से ज़्यादा बाखबर होती हैं, क्योंकि चरवाहे की एक आवाज़ पर चरना छोड़ देती हैं, और इंसान अपनी ख्वाहिश की खातिर अहकाम इलाही की भी परवाह नहीं करता। खामोश रहो, सिर्फ अल्लाह ही है जो तुम्हारे दिल का बोझ उतार देगा। अपने अंदर की सोच को साफ रखें, क्योंकि कश्तियां बाहर के पानी से नहीं अंदर के पानी से ही डूबती हैं। जो इंसान जितना खामोश रहता है वो अपनी इज्जत को उतना महफूज रखता है। सच बोलने से इंसान को ज़हनी परेशानियों से निजात मिलती है और उसका दिल हल्का हो जाता है। मुख्तसर रहो लेकिन मुखलिस रहो।
सोच अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि नज़र का इलाज मुमकिन है लेकिन नज़रिए का नहीं। दोनों सूरतें यकीन की हैं, कोई अल्लाह के लिए सब छोड़ देता है और कोई अल्लाह पर ही सब छोड़ देता है। उम्मीद इंसान से कभी मत लगाइए और अल्लाह से कभी मत हटाइए। ठोकर भी उन्हीं को लगती है जिनको रब ने थामना होता है। बंदे का बंदा बनना मुश्किल है, न पीर बनना मुश्किल है न फकीर। जो जितना अच्छा झूठ बोलता है दुनिया उसकी होती है, लेकिन फिर उसकी आखरत नहीं होती। रिस्क में ऐब ना लगाओ, पसंद नहीं तो मत खाओ। जो नेमतें अल्लाह ने दी हैं उन पर अल्लाह का शुक्र अदा करो, क्योंकि बहुत सों को ये भी नसीब नहीं है। दिल सोच समझ के तोड़ा करो कि हर गुनाह की मुआफ़ी नहीं होती। अगर लोग तुमसे मुतासिर हो रहे हैं तो तकब्बुर ना करो, बल्कि शुक्र अदा करो उस रब का जिसने तुम्हारे ऐब छुपाकर तुम्हें लोगों में मुआज़्ज़ज़ बना रखा है। लिबास कीमती हो या सस्ता, किरदार को नहीं छुपा सकता। अपने किरदार को अच्छा करो, हर लिबास में अच्छे लगोगे। बेहतरीन हमसफ़र की सबसे बड़ी ख़ासियत ये है कि वह आपसे इख्तलाफ़ और नाराज़गी के बावजूद भी आपका ख्याल रखना और फ़िक्र करना नहीं छोड़ता। लोगों पर तीन एहसान करो, नफ़ा नहीं दे सकते तो नुकसान न करो, खुश नहीं कर सकते तो रंजीदा न करो, तारीफ़ नहीं कर सकते तो बुराई न करो। ख्वाहिशात के पांव चादर से बाहर निकल जाएं तो फिर सुकून नसीब नहीं होता। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।